हेलो फ्रेंड्स। सो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैपिंग ऐड किया हुआ था वेलकम का, और इस हमने यहाँ पे एक कंट्रोलर ऐड किया था, रेस्ट कंट्रोलर। तो इस ऐट द रेट कंट्रोलर को यूज़ करके वो इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर आता है, और स्प्रिंग एप्लीकेशन खुद इस जो हमारा यूआरएल है उसके मैप जो हमने फंक्शन यूज़ किया है उस फंक्शन को यूज़ करके वह आगे फॉरवर्ड करता है, और हमें उस हेलो एम्प्लॉय को वहाँ पे प्रिंट करके देता है। ठीक है, तो ये रहा हमने जो मैपिंग की हुई थी। ठीक है, तो लोकल होस्ट 9091 और वेलकम। अब हम इसमें हम ऐड करने वाले हैं एम्प्लॉय क्लास, एम्प्लॉय को। हम यहाँ पे और भी कंट्रोलर्स और मैपिंग ऐड करते हैं। सो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा जो एम्प्लॉय को प्रेजेंट करेगा एज अ पोजो क्लास। यहाँ पे न्यू, यहाँ पे क्लास एम्प्लॉय, और हम यहाँ पे कंट्रोलर की जगह पे हम इसको दूसरे पैकेज में डालेंगे DTO करके, डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट। और ये एम्प्लॉय नाम का जो हमने क्लास बनाया इसमें हम उसके वेरी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो हमें चाहिए प्राइवेट इन, सॉरी, EMP ID, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग EMP नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग लेट्स हैव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, सो इनफ। हम इसके अभी गेटर्स एंड सेटर्स ऐड कर देते हैं यहीं पे। तो गेटर्स एंड सेटर्स सिलेक्ट ऑल जनरेट, हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी ऐड करना होगा इनिशियलाइजेशन करने के लिए। राइट क्लिक करेंगे सोर्स, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स सिलेक्ट ऑल है और जनरेट, हमने कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया। और हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी ऐड करेंगे विथ नो आर्गुमेंट। तो ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय कंट्रोलर, हम यहाँ पे एक मैपिंग करते हैं, और हम यहाँ पे कहेंगे पब्लिक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, एयर एम्प्लॉय का लिस्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, और गेट ऑल एम्प्लॉयज ये फंक्शन होगा। मैं दोनों को पैकेज को लिस्ट जो होगा जावा यूटिल से हम उठाएंगे। ठीक है, और एम्प्लॉय को हम DTO में जो भी डिफाइन किए वहाँ से उठा लेंगे। तो एम्प्लॉय हो गया। अब हमें रिटर्न कराना है यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय को। मैं क्या करूँगा, ले रिटर्न, यहाँ पे ये दे देते हैं, सॉरी, एरेस डॉट एज लिस्ट ब्रैकेट में न्यू एम्प्लॉय, मैं इसे नीचे ले लेता हूँ ना, न्यू एम्प्लॉय। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का ID, उसका नाम और उसका डिपार्टमेंट। सो पेमेंट्स, और यहाँ पे कॉमा देके एक और ऐड करते हैं यहाँ पे, न्यू एम्प्लॉय टू रोहित। ठीक है, सॉरी, ठीक है, और कॉमा देंगे यहाँ पे,
इसमें तीन तीन तो ऐड कर ही लेते हैं यहाँ पे, ताकि रेफरेंस सही से जाए। पीथा एंड कैन सी हियर सी। ओके, तो हम हार्ड कोडेड यहाँ पे कर रहे हैं, हम बाद में उसे डेटाबेस में भी एंटर करेंगे, बट अभी के लिए इतना ही। लाइक हम चेक करते हैं कि ये जो मैपिंग है रही होगी कि नहीं होगी। तो अभी हमें यहाँ पे मैपिंग डिफाइन करनी होगी कि किस मैपिंग पे कॉल होना चाहिए। रिक्वेस्ट मैपिंग में इसे कॉल कराना है जब रिक्वेस्ट होगी एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ रिक्वेस्ट पे, गेट रिक्वेस्ट पे हमें ये डेटा वहाँ पे पास करके मिलेगा। तो ये रहा, इसे रन करते हैं आप कोड को। तो मैं क्रोम को क्लोज कर देता हूँ, हम अभी सारा कुछ पोस्टमैन से करेंगे। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, पोस्टमैन में आपको जाना है। तो हमने दो राउट्स डिफाइन किए हुए थे, मैं पहला वेलकम वाला दिखा देता हूँ आपको, जो वेलकम के कॉल पे रन हो रहा है। तो ये स्लैश वेलकम की रिक्वेस्ट मैपिंग वो चेक कर रहा है, और स्लैश वेलकम चेक करने के बाद जब वो एप्लीकेशन में जा रहा है तो उसे पता चल रहा है कि स्लैश वेलकम के लिए फंक्शन जो है वेलकम एम्प्लॉय और हेलो एम्प्लॉय उसने रिटर्न करा के हमें प्रिंट करा के दिया। अब मैं एम्प्लॉयज़ को कॉल करूँगा, तो तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो ये जो पार्ट है जेसन फॉर्मेट का, लाइक हमने तो कुछ मैपिंग किया नहीं जेसन का, और ये कैसे आया? तो ये स्प्रिंग बूट के ही जो जार्स हमने ऐड किए हुए थे यहाँ पे, तो वो इंटरनली उसने सारा कुछ कर दिया कि जेसन फॉर्मेट में हमें उसने ला कर दे दिया। तो ये देखोगे तो आप जैक्सन जो भी जार्स हैं, तो ये जेसन रिलेटेड जार्स हैं, और इन्हीं को यूज़ करके उन्होंने उसने इंटरनली हमारे पोजो क्लास को यूज़ किया। और ये कैसे कर रहा है? तो हमने जो पोजो क्लास में हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेप नेम, उन्हीं को वो इस जगह पे यूज़ कर रहा है। तो ये जो की और उसका वैल्यू, तो ऐसे ही वो मैप करके हमें प्रिंट करा रहा है। तो इसीलिए स्प्रिंग बूट में इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी होता है।